मैं इसका कीबोर्ड खोल लिया हूँ। इसी हिसाब से आपको भी निकालना है जितने पार्ट्स हैं, खोल के ही पता चलेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। जी बैक साइड में पेज लगे हैं नहीं खोलना है। इसे निकाल दिया है, ये भी निकाल दिया है। सिम खोलना है आपके लिए, मैं इसका डीवीडी राइटर निकालता हूँ। तरीके से निकाल देना है और देखता हूँ ये मदरबोर्ड मान निकालना है मुझे, ये मदरबोर्ड के लिए और इसकी सप्लाई देखना है। पेच तो नहीं लगा है, पेच लगा हुआ है। इसे मदरबोर्ड निकल चुका है, इसे हटा है, हम इसे निकाला खोल के बिल्कुल अलग कर देना है। इसे भी निकाल देना है। हमें इस मदरबोर्ड पे देख रहे हैं कहीं पेच तो नहीं लगा है, कोई भी पेच नहीं लग दिखे है। बाकी में निकाल के देखता हूँ, पहले ए सी निकालो हीट सिंक के लिए। Thank you.
निकाल लिया है और इसे ये क्या करना है, और जिसकी ये फिटिंग है ये पूरी सही तरीके से करना है, क्योंकि बैठ गया है सही करने के बाद। और मैंने इसे बिल्कुल निकाल लिया है और इससे मैं देखूँगा कहीं कोई मारपीट वगैरह हाँ तो नहीं है। पहले फिजिकल टेस्टिंग कर लेना है, सेक्शन वाइज सेक्शन ध्यान से देखना है, कहीं कोई माउस बिट वगैरह या आईसी वगैरह फॉल्ट हो जाता है तो वो दिख जाती है, और बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देखना है। फिर उसके बाद मल्टीमीटर से चेक करना है, कहीं को दिखा नहीं। और मैं इसे इसका रेटिंग लगाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। मशीन को किधर गया तो बिल्कुल कोई सिग्नल नहीं आया। फिर भी मैं इसके बोर्ड पे लगाता हूँ, पावर सप्लाई की, और ये बहुत ज़्यादा हीट होगी। मैं 7 इंच में निकालूँगा, मैंने निकाल लिया है। मैं इसे चेक करूँगा, कर लेना है। और इसकी वो घट चुकी है, मैं चेक करके देखता हूँ।
रही है, मैं इसे ऑन करके देखता हूँ। ऑन तो हुआ है, बंद हो गया। ऑन होके बंद हो रहा है। नॉर्थ साइड से वो हीट होने लगा, तो यहाँ ओवरलोडिंग ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ से। तो हम दोनों माउस पैड को रिमूव कर दिया है, बाकी इसमें कहीं अंत लोडिंग है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बजर मोड पे लगा लिया हमने अपने मोड पे। बाकी सप्लाई तो सही दिख रही है, बाकी सब जगह है तो कहीं ना कहीं
इंजीनियरिंग रूल की सप्लाई नहीं बननी है अभी इसमें। डीसी मशीन की देखा हमारी इसमें इसमें 3-5 की सप्लाई देख लूँ किधर है टिबल लगी हुई है 3-5 की सप्लाई। उठा रही है कि नहीं वोल्ट की तो सप्लाई बननी है पर और कोई भी सप्लाई नहीं बननी है।